छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी के लिए भाजपा ने गुजरात की तर्ज पर हर मतदाता की कुंडली बनाने का फैसला किया। यानी प्रदेश में 1,92,56,000 मतदाता हैं, जिनकी नब्ज पकड़ने के लिए 10,00,000 कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा। भाजपा ने गुजरात में 7वीं बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की, तो वहीं भाजपा की लगातार जीत के पीछे की सबसे बड़ी वजह वहां पर बूथों पर फोकस करना है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने फरमान जारी कर यहां भी ऐसा ही करने को कहा है। इसके तहत 20 मतदाताओं के पीछे एक कार्यकर्ता तैनात होगा, वहीं हर बूथ के लिए एक पन्ना प्रभारी और 2 सहयोगी रखने का फैसला है, जो मतदाताओं के घर जाकर उनकी पूरी जानकारी जुटाएंगे। वहीं मतदाता की समस्या का निराकरण भी कार्यकर्ता ही करेंगे। जो मतदाता भाजपा के नहीं होंगे, उनको भाजपा के बारे में बताने के साथ ही ये भी बताया जाएगा कि केंद्र की भाजपा सरकार क्या क्या कर रही है और जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो उसने क्या क्या काम किए थे। भाजपा की विचारधारा यही है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम कार्यकर्ता तक पहुंचना, और हर स्तर पर प्रभारियों का गठन किया गया है। जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र तक को मॉनिटर किया जा रहा है, और पन्ना प्रमुख बनाने का भी जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करती ही है। तो ऐसे में नीचे के कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात होती रहे, उनकी बातें, उनके सुझाव भी आते रहें, उन्हें जो सहयोग चाहिए वो मिलता रहे, ताकि हम पूरे प्रदेश में हर कार्यकर्ता के जरिए जनता के हर वर्ग तक पहुँच सकें। यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है।